हे गाइस, वेलकम बैक। सो एज यू आप सभी को पता ही है कि बी आई टी सिंधरी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो जेसीसीबी के थ्रू था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाकर रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है एंड आपको अपना सीट कन्फर्म करना है। तो स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में मैं बी आई टी सिंधरी के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर जो अपडेट नोटिस पहले आ चुकी है, मतलब 10th ऑफ अक्टूबर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो उसमें 10th को माइनिंग का एडमिशन डेट था, वेरिफिकेशन डेट 11th को मेटलर्जी ईसी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है। देन आपका मैकेनिकल एंड सीएससी का 12th ऑफ अक्टूबर को है। देन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग का 13th ऑफ अक्टूबर को है। जिनको जिनको सीट अलाउड हुआ इस ब्रांच पर उन्हें 13th को अक्टूबर को रिपोर्ट करना है कॉलेज में, बी आई टी सिंधरी में, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, आफ्टर दैट उनका सीट कन्फर्म हो जाएगा। देन सिविल एंड आईटी का आपको 14th ऑफ अक्टूबर को मिल जाएगा। एंड बाकी जो बच जाते हैं, जो ब्रांचेज जो बच गए हैं या फिर जिनका बीच में अगर एडमिशन ये होता है कि उनको वो रेस्पेक्टिव डेट में वो नहीं आ पाए जिनका उस दिन अलॉटमेंट था, तो वो 15th को आ सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, जैसे ही आप कॉलेज आओगे तो यहाँ पे डीपी ऑडिटोरियम है, देशपांडे ऑडिटोरियम है, वो जस्ट जैसे कॉलेज में इंटर करोगे तो पास में वहाँ पे है एडमिन बिल्डिंग के आपको राइट में डीपीए मिल जाएगा। तो आप किसी से भी इंटर करोगे, पूछोगे वेयर इज डीपीए एंड ऑल, देशपांडे ऑडिटोरियम कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे भी अभी जैसे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो कॉलेज में काफ़ी क्राउड है उस जोन में, तो आपको खुद ही सेंस हो जाएगा कि हाँ इस साइड कुछ हो रहा है एंड समथिंग एंड ऑल। तो वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना है। नोटिस में जो भी आपको मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मैंशन करा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले आना है, फी पेमेंट कर लेना है, बाकी सब कुछ आपको वहाँ पर मतलब प्रोफेसर्स रहेंगे, प्रोफेसर्स लोग जो डीन हैं एंड ऑल दोज और प्रोफेसर्स हुए एट द रेस्पेक्टेड पोजीशंस ऑफ सम हेड और समथिंग, जो एडमिशन सेक्शन के हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के हेड हैं, जो डीन हैं, वो वहाँ पे रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपका मेडिकल होगा एंड समथिंग, जो जितना जो प्रोसेस होता है कॉमन प्रोसेस जो होता है वो सब होगा। फिर उसके बाद आपका सीट कंफर्म हो जाएगा बी आई टी सिंधरी में। ठीक है, ये मतलब अभी चल रहा है एडमिशन प्रोसेस अभी तो, और ये अभी तो मतलब यही चल रहा है, सेकंड राउंड का भी कोई अपडेट नहीं है। ये 15th अक्टूबर तक एडमिशन प्रोसेस है, आफ्टर अब तो जो भी सेकंड राउंड अगर होगी भी तो 15th के बाद ही होगी। तो ये फर्स्ट राउंड का सारा अपडेट था। और हाँ, जिनको एडमिशन मिल गया है उनको कंग्रेचुलेशन, और उनको अगर अगर कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानना है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल्स कैसे अलॉट होंगे, क्लासेस क्या होते हैं, ऑल दैट चीज़, अगर उनको जानना है कि कैसे क्या यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एंड एवरीथिंग अबाउट हॉस्टल्स, अबाउट बी आई टी सिंधरी में क्या क्या हैपनिंग लाइफ है या नहीं है, कि क्या है, कैसा यहाँ पे है, व्हाट इज़ द कॉलेज कैंपस लाइफ एंड ऑल, तो उन सब पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। मतलब आप मेरे चैनल पे जाओगे, आप उसमें देखोगे तो काफ़ी सारे वीडियोस आपको दिख जाएँ कि हाउ इज़ द एटमोसफेयर इन बी आई टी सिंधरी, यहाँ पे क्या कल्चर है एंड ऑल, जो भी है वो सारे रैगिंग के रिलेटेड एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड हियर। तो अगर आपको देखना है तो आप मोस्टली मेरे चैनल में जाके वो सर्च कर सकते हो। ऑल जो भी व्यूज़ मैंने शेयर करें दे आर वेरी जेन्युइन। मैं लाइक आई एम द स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग हियर, so all the experience that are shared by me are very genuine, so you can trust them and I have tried my best to give the best information and आगे कोई भी अपडेट आता है रिगार्डिंग एडमिशन या कुछ भी जैसा आता है तो मैं आपको बताऊँगा। ये तो मैंने आपको आज ये क्लियर कर दिया ये डेट वाला। और एक जैसे नोटिस आया हुआ है फॉर माई, जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ मतलब आप वेबसाइट कंटिन्यूसली चेक करते रहो, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सेकेंड जैसे ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ फिर आपको अपडेट मतलब को जो भी है वो सारे अपडेटेड मिलेंगे। और फिर जैसे शेड्यूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग एंड अदर ब्रांचेस का भी नोटिस आया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट को माइनिंग इंजीनियरिंग वेरिफिकेशन था वो 10th को आना है, कम फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कम एडमिशन। उसके बाद दो कैंडिडेट्स हु हैव मिस्ड देयर वेरिफिकेशन कम एडमिशन ऑन शेड्यूल डेट्स कैन कम ऑन 15th ऑफ द अक्टूबर। जैसे मैंने आपको बताया है कि जिनको मतलब एडमिशन मिस हो गया उस दिन, उनका ब्रांच स्पेसिफिक उस डेट को था बट वो उस दिन नहीं आ पाए फॉर एनी रीज़न, अनअवॉइडेबल रीज़न, तो वो मतलब वो 15th को उन्हें फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, विंडो ओपन होगी, कॉलेज में आ सकते हो आप ये वेरिफिकेशन कम एडमिशन प्रोसेस के लिए। एंड इट्स ऑल द बेस्ट जिन्होंने अफोर्ड दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। अब प्रिपेयर फॉर योर कॉलेज, यहाँ पर मैंने आपको सब बताया हुआ है कि वाट आर द थिंग्स यू शुड कैरी टू द हॉस्टल्स, हॉस्टल एसेंशियल्स, एवरी थिंग, मेस मेन्यू कैसा है एंड ऑल दोज थिंग्स, हाउ आर द हॉस्टल्स ऑफ द फर्स्ट ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर के जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, लाइक हॉस्टल 11, 22, 20, 22, हॉस्टल 11, 22, 23 एंड 24 एंड हॉस्टल 10, मैंने ये सारे सबके मैंने कंप्लीट टूर करे हुए हैं। मतलब मैंने टूर कराया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, व्हाट इज़ द स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट हियर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या नहीं, इन सब पे है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जस्ट कमेंट बिलो, आप ये कमेंट कर सकते हो बिलो। एंड काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैं फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो क्या मुझे मौका मिलेगा, तो पिछले बार प्रीवियस ईयर में
हाँ चांसेस मिला था कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे फर्स्ट राउंड में वो फिर से कर सकते हैं। तो होप मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका लक सही रहा इस बार तो आपको फिर से वो विंडो ओपन होगा जेसीबी की तरफ से एंड आपको फिर से मौका मिलेगा। सो ठीक है, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टिल देन बाय बाय।